फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, और उधर मेरा अभिनंदन बोल रहा है, बोलो ना मम्मी कटहल खाए आज। अभी मेरी सिस्टर लाई थी, वो पहली बार कटहल पेड़ से तोड़ के वही बोल रहा है अभी बस खाया है ये सब। और तो मेरा हिस्सा रख दिया है मेरा अभिनंदन, वही बोल रहा है तो बोलो ना मम्मी कटहल खाए। और तो अभी बैठे हैं, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए, जो जो मेरे ब्लॉग पे न्यू है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए देखते हैं मेरा अभिनंदन कहाँ मेरा लिए कट। हम सो गए थे, वो बोल रहा था मम्मी कटहल खा लो कटहल। तो हम सोचे आजकल बारिश नहीं होता है तो कटहल कहाँ पकेगा, तो देखे सच में खा रहा था, पता नहीं पका होगा। आजकल तो कटहल तो पकेगा ही क्योंकि पकने का सीजन तो आ गया है, बारिश हो या ना हो लेकिन कटहल तो पक ही जाएगा। तो चलिए आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहें। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही मेरे लिए रखा है, बहुत चालू है वो, थोड़ा सा रखा है मखमल निकाल के। और यही काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि छोटा सा कटहल लाया था, वही सब बांट के खा के मेरा हिस्सा रख दिया है। तो देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स खा लेते हैं, जो मेरा भाग में है तो वही तो मिलेगा। तो चलिए खा लेते हैं, आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहें। 10-10 मखमल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गर्मी होने के कारण सब नीचे में सोता है मेरी सिस्टर, देखिए यहीं पे हम भी सोए थे। तो देख सकते हैं नीचे में कंबल बिछा दिए थे क्योंकि आप सबको तो बताए थे मेरा पंखा तो पूरी तरह से ख़राब हो गया, ठीक करवा के लाया था। और फिर एक दिन चला, दूसरे दिन तो वो चल हवा तो देना ही बंद कर दिया, फिर से ख़राब हो गया है। लगेगा पता नहीं, अच्छा से ठीक नहीं किया होगा, उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, बस उसका उसमें कुछ थोड़ा बहुत ख़राबी होगा इसीलिए। और गर्मी के वजह से मरना पड़ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना इसीलिए। और अभी तो शाम हुआ है, थोड़ा बहुत उतना शाम नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है और धूप तो बहुत ज़्यादा है इसीलिए नीचे में सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत ठंडा लगता है इसीलिए। और तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अचार देख सकते हैं बनाई है, और धूप में नहीं दिए थे तो थोड़ा खराब सा लग रहा है, इसको अभी धूप में देंगे। देख सकते हैं बाप रे कितना बड़ा डब्बा में बनाया है, एक डब्बा है, इसमें नमक और हल्दी दिया है, नमक हल्दी दिया है और अभी तेल नहीं दिया है, और क्या क्या मसाला लगता है वो सब नहीं दिया है। अभी देखिए हल्दी नमक दिया हुआ है। ए पगलेट खाएगा रे? खाएगा? हमें नहीं खाएगा, हम भोगी में लाठी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको धूप में देते हैं सूखने के लिए। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम आए हैं
इधर टीला तरफ, हम लोग इधर टीला बोलते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा है, ज़्यादा इधर पेड़ मिलेगा दोना का और बांस यही सब और पलास का पेड़ है। तो अभी शाम का टाइम है इसीलिए हम इधर आए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवाएं चल रही है, तो देख सकते हैं पेड़ पौधा है हरा भरा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो देखते होंगे आप सबको। और तो फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड्स देखिए कटहल का पेड़ है, बहुत ज़्यादा फला हुआ है। और तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ भी है, क्योंकि गर्मी से तो सबका हालत ख़राब हो गया है, किसी का तबीयत ख़राब तो किसी का क्या। मेरा भी 4-5 दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो अब ठीक हुए हैं। और तो फ्रेंड्स आप सब से कुछ बातें करना चाहती हूँ, तो आप सब मेरे ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए। और जो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कुआं है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा हो गया है, इसी के वजह ये कुआं पूरा पानी नहीं है, छोटा सा है, पहले इसमें पानी रहता था। और देखिए पेड़ किस चीज़ का है, किस चीज़ का पेड़ है, डूमेर, डूमेर बोलता है। देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है, जस्ट एक कुआं में ही, बीच कुआं में ये पेड़ लग गया है, तो देख सकते हैं। और उधर देखिए मिर्ची लगाया हुआ है, तो देख सकते हैं इसमें सांप बहुत रहता है। और तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग आम का पेड़ के पास, तो मेरी सिस्टर बोली क्या चलो आम के पास। तो देख सकते हैं उधर जो दिख रहा है वो नदी है, और ये आम का पेड़ है, तो आम गिरा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स आम नहीं गिरा था, और हम लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि थक गए बोलते बोलते, और बहुत ही सारा धूप है इसीलिए, और पानी भी प्यास लग गया, अब जाएंगे घर। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं छाया में बैठे हुए हैं, आम का पेड़ है तो देख सकते हैं। और हम लोग आए थे इसीलिए आम, सोचे आम गिरा हुआ होगा पका, तो नहीं गिरा था। और अब और मेरी छोटी सिस्टर आई है, क्योंकि ये पढ़ने चली गई थी, और अभी बस इसका छुट्टी हुई हुआ था ट्यूशन, तो स्कूल तो गर्मी का छुट्टी हो गया है अभी, और अभी बस ट्यूशन जाती है पढ़ने के लिए। और तो फ्रेंड्स आप सबको तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, तो फ्रेंड्स बात ये है जो कि मैं घर से बहुत इधर दूर आ गए हैं, तो मैं घर में वीडियो बनाती हूँ, और मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दी थी मेरी मम्मी सब और मेरा पापा। तो गाइस तो क्यों मना किया की थी तो आप सबको मैं बताती हूँ। हम जो 4-5 दिन वीडियो नहीं बना रहे थे, तो कुछ ऐसा कुछ वजह हो गया था, जो बोल रहा था कोई कोई आदमी बोलिए सब क्यों बनाती है, वीडियो बनाने से कोई किसी का कुछ नहीं मिलता है, बल्कि इतना कोई ये सब वीडियो वगैरह बनाता है तो उनसे कुछ होता जाता है नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है। तो प्लीज़ मैं मेहनत
करना चाहती हूँ तो, और लोग तो बहुत सारा जलते हैं, और मुझे तो लगता है जो हम कुछ करते हैं तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, और मुझे नहीं लगता है क्या लोग मुझे वीडियो बनाने देंगे। बहुत सारा लोग ऐसा है जो कुछ कुछ बकते रहता है, और तो मेरी मम्मी को हम बोल दिए, मेरी मम्मी को जो हम अब नहीं बनाएंगे वीडियो, क्योंकि इसी कारण से बोले, जो कि मेरी मम्मी सब बोलती थी कि लोग बोलेंगे कुछ कुछ तो हम लोग को, तो हम लोग को ही सहना पड़ेगा ना, तो छोड़ दो नहीं बनाना। तो हम बोल दिए मम्मी को जो हम नहीं बनाएंगे अब, तो इसीलिए हम बोले। और तो हम छुपा छुपा के बनाते हैं, क्योंकि मम्मी को उतना हम पता नहीं कर लगने देते हैं जो हम वीडियो बनाते हैं। और तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जो जो लोग मुझे इस तरह बोल रहे हैं, ताकि उसको भी समझ आ जाएगा कि ये कुछ करना चाहती थी और ये अपना भविष्य के बारे में करना चाहती थी। हम अपना भविष्य के बारे में जो करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप लोग तो जानते ही है जो मेरा एक तो बेटा ही है, और उसका हम भविष्य खराब कैसे, एक माँ अपना बेटा का भविष्य खराब कैसे होने दे सकते हैं। तो इसीलिए हम इसी वजह से हम वीडियो बनाती हूँ, ताकि वीडियो बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि मुझे कुछ पैसा उसा मिल सके, कुछ इनसे मैं इसको पढ़ा सकूँ और एक अच्छा इंसान बना सकूँ। मेरा यही सपना है, ताकि मैं मेहनत करके इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, और इसका भविष्य खराब हम एक माँ होके कैसे होने दे सकते हैं। तो मेरा यही इरादा है, और लोग तो बहुत कुछ कुछ तो बोलते ही होंगे, तो हम तो उतना सुनते नहीं हैं। तो मेरी मम्मी को बोला था, जो बोला है तो वो तो मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है, जो बोला है अपना घर में खुद देखता नहीं है जो मेरा घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे के पीछे भागता है सिर्फ बोलने के लिए, दूसरों का बातें बनाते रहता है। और तो फ्रेंड्स, आप सब तो जानते हैं जो कि एक लड़की कहाँ जा सकती है काम करने के लिए। मैं भी सोचा, मैं तो कहीं काम करने के लिए तो नहीं जा सकते हैं ना, तो हम सोचे क्यों ना वीडियो ब्लॉगिंग करूँ, ब्लॉग वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँ, ताकि सब किसी का सब कोई ऐसा ऐसा लोग होते हैं जो कि एक्सेस हो जाते हैं, उस सबको सफलता मिल जाता है। तो हम भी सोचे हम भी क्यों ना वीडियो बना के कुछ अपना ज़िंदगी जी ले खुशी से, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, और लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम होती है पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और तो आप सब मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अपना बच्चा के लिए सब करती हूँ, ताकि उसका भविष्य खराब ना हो और उसका हम अच्छा से, वो तो अब आप लोग देखते ही होंगे जो कि 2.5-3 साल का हो चुका है, और 2 साल के बाद तो उसको पढ़ाना लिखाना है ही। अभी तो वो उसको बैठाते हैं घर में पढ़ाने के लिए, तो बड़ा होगा उसको तो कहीं तो भेजना ही होगा पढ़ाने के लिए, उसके लिए तो पैसा तो ज़रूरी है ही, ताकि उसको हम अच्छा से पढ़ा सकूँ। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है पैसा, अगर पैसा नहीं रहेगा ना, कोई इस दुनिया में किसी को पूछने वाला नहीं है। तो प्लीज़, मेरी मम्मी पापा का भाई का कोई गलती नहीं है, वो सब कहते हैं जो तो तुमको कोई किसी चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, नहीं तो पैसा उसे हम भी सोचते हैं जो हम जानते हैं कुछ किसी चीज़ का मुझे कमी नहीं है, तो फिर भी हम चाहते हैं कि मेहनत करके अपना कुछ करें, इसीलिए हम ब्लॉगिंग का चैनल खोले हैं और ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मुझे भी सफलता ज़रूर मिलेगी, और मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाऊँगा, मुझे भी हिम्मत रहेगा क्या, मुझे आज सबने मिलकर सपोर्ट किया, इसीलिए मैं भी
आज खुश हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी, तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसी के लिए ऐसा ब्लॉग बनाती हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था जो कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, ब्लॉग बनाऊँ। किसी का कुछ ना मजबूरियाँ होती है, इसीलिए ब्लॉगिंग करता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं भी सोचती हूँ, जो मेरा भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। हम आप सब के आगे हाथ जोड़ती हूँ ताकि मैं भी सबके जैसा आगे बढ़ जाऊँ और सबके जैसा आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज़। और तो फ्रेंड्स आ गए अब घर, तो बैठे हुए हैं, अब खाना उना बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।